हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होगा, जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। इसके बाद मैं पिक अ कार्ड रीडिंग भी ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। मैंने जो अलग अलग राशियों के अनुसार रीडिंग डाली थी, उम्मीद करती हूँ वो आप लोग सभी को पसंद आई होगी, यानी कि जो स्पेसिफिक राशि के अनुसार लव रीडिंग डाली थी वो। इस तरह की और रीडिंग्स अगर आप लोगों को देखना पसंद है ना, तो मेरा दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें कैसा होगा, आपको राशि के अनुसार ऐसे ही सब रीडिंग्स देखने को मिलेगी। प्लस मैं ना उस चैनल पे भी, एक सेकेंड, उस चैनल पे भी ना मैं बहुत सारे करंट फीलिंग्स और भी टॉपिक पे वीडियोस डालने वाली हूँ, तो उसको कहीं मिस ना कर दो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि दीदी कम से कम दिन में ना 2 या 3 तो वीडियो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने दूसरे चैनल पे भी अब पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो कहीं आप मिस ना कर दो। तो इसलिए ज़रूर जाकर जल्दी से ही फास्ट आप लोग जाके वहाँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपडेट मिल सके, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं चाहूँगी कि शफलिंग के दौरान आप अपने पर्सन का, अपनी पर्सनी का, लड़का लड़की जिसका भी है, उसका ध्यान कर लें अच्छे से। ध्यान से याद आया, आप में से कितने लोग आजकल ध्यान पे बैठते हो, कितने लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में? मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। आप लोगों को बहुत सारी जो आप जिस भी जर्नी में, ट्विन फ्लेम में, इसमें आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करेंगे अपने अंदर, तो मुश्किल हो जाता है रीयूनियन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है मेडिटेशन पे ज़्यादा बैठें, ठीक है, अपने अंदर अवेयरनेस, फोकस, अलर्ट लाएं, ठीक है। और आप में से कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं? यूनिवर्स मुझे गाइड करें, फॉलो नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स डालती रहती हूँ मैं। सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। एस ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके। सो और भी कार्ड्स निकालूंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या टॉरस, वो को कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और उसके अलावा काफ़ी लोगों के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आप डील कर रहे हैं, या ये आपकी साइन भी हो सकती है। सो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में ये जो कनेक्शन जिनसे आपने डील किया था, ये कनेक्शन डेफिनेटली, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, एंथुजियाज़म था। कम्युनिकेशन भी मुझे अभी हाल ही में ही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन अभी थोड़े टाइम पहले ही आपके पर्सन से हुई है, उसके बाद ऑन एंड ऑफ चलते चला जा रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, या पर्सन ही भी, आप जेंडर्स पे ना फोकस करें, एनर्जीज पे फोकस करें, ठीक है। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें। आज सोचा तीन ही दीदी ने तो तीन ही कार्ड निकाले, तो रीडिंग कैसे डिटेल हो गई, बहुत डिटेल होगी। सो एक मिनट, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, तो आप दोनों के बीच में कंफर्म एक चीज़ तो क्लारीफाई हो जाती है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जिसने बहुत सारी चीज़ों में रायता फैलाया, यानी कि इन्फ्लुएंस किया आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा एडवाइसेस बिना वजह का ज्ञान दिया, जिसके कारण आपके पर्सन जो है उनकी बातों में आ गए और कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं क्रिएट हो गए आप दोनों के बीच में। मुझे कहीं ना कहीं किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि किसी ने इंटेंशनली चीज़ों को ऐसा किया है, यानी कि किसी के इंटेंशंस थे आप दोनों के बीच में ज़बरदस्ती घुस के इश्यूज़ क्रिएट करने के। यूनिवर्स मुझे और बताएं, एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी के बारे में और बताएं, जिसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अचानक से बहुत ज़्यादा वो अच्छा स्वभाव या अच्छा रिश्ता बना लिया है और आपको साइडलाइन कर दिया है। ओ, द डेविल का कार्ड, यस यस, वेरी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो वेरी स्ट्रांगली आप लोगों के थर्ड, आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हुआ, उसने बहुत नेगेटिविटी फैलाई आपके पर्सन, जबकि आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपके बिना नहीं रह पाते। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मौके का फ़ायदा उठाना, कहते हैं ना कि किसी ने मौके का फ़ायदा उठाया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में किसी ने मौके का बहुत ज़ोरदार फ़ायदा उठाया है।
सो यूनिवर्स और बताएं इनके बारे में. आपके पर्सन आपके अलावा और किसी को नहीं मतलब देख सकते. अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको कोई और पसंद आ जाएगा या कोई थर्ड पार्टी है तो ये उन पर बहुत इंटरेस्टेड है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्टेड है. ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके बिना इनका और कहीं मन नहीं लग सकता और किसी और की ओर ये आकर्षित भी नहीं हो सकते. ओके, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके पीछे ज़रूर पड़े थे पास्ट में, बट अभी एट द मोमेंट काफ़ी लोगों के लिए मैं बता रही हूँ आपके पार्टनर जो हैं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं. और पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों ने बहुत ट्राई किया है इन लोगों से कम्युनिकेट करने की या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की. आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा रनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. ऐसा लग रहा है कि भाग मीका भाग वाली दौड़ लगी हुई है. बार बार इनके सामने मिन्नतें कर रहे हो, बार बार ऐसी कोशिशें कर रहे हो कि आपसे कम्युनिकेट करें, चीज़ों को ठीक करें या क्लैरिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है. और काफ़ी हद तक इन्होंने छुपी साधी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. काफ़ी कम क्लैरिटी थी और अचानक से आपके पर्सन जो है ना बीच में ही बैकआउट करके गए. पर्सन ही भी हो सकती है, वंस अगेन आई एम सेइंग पर्सन ही मतलब लड़की भी हो सकती है. जो लोग बहुत समय से वीडियो देख रहे हो उन लोगों को पता होगा मैं पर्सन को पर्सन ही किसको बोलती हूँ. और बताएं यूनिवर्स फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के बारे में. आप बहुत दौड़े हो उनके पीछे, बहुत स्ट्रांगली. यस, आपने इनको अपना पूरा दिल बोलते ना सामने रख दिया. आपने बहुत एक्सप्रेस किया इस पर्सन को, बताया कि आपके मन में क्या है, आप क्या फील करते हो. शायद बहुत बड़े बड़े मैसेजेस भी भेजे, मैसेजेस के थ्रू बताया या कॉल के थ्रू बताया, पर आपने इनको खुलकर एक्सप्रेस किया कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप इनसे कितना बोलते ना आपका इनके अंदर अटैचमेंट और लगाव है, आप कितना इनके बारे में अच्छा सोचते हो. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ने इस वक्त जो आपके पास की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दे दी. उनकी बातों में वो ज़्यादा आ गए. ये थर्ड पर्सन मुझे किसी तरीके का ट्रेडिशनल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है. ये कोई मैरिज हो सकती है जिसमें वो बंधे हुए हैं या इनकी मदर वगैरह हैं, फादर वगैरह हैं, कोई बीच में इन्वॉल्व है. ये इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, हो सकता है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर कर रहा है इनको. ये किसी का ज़बरदस्ती का गुरु ज्ञान मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. ज़बरदस्ती का बोलते हैं ना दखल देना और आग में वो घी झोंक देना, वो कहीं मुझे दिखाई दे रहा है. किंगो नाइट ऑफ पेंटिकल का एनर्जी क्लारीफाई करें. जिनसे आप डील कर रहे हैं टॉरस वर्को कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, ठीक है. बहुत एंथुजियाज्म है, फायर साइन भी है, लियो एरिस सैजिटेरियस. ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इनका वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो. आप इनके सामने से एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे हो. आप चाहते हो कि ये भी एक्सप्रेस करें अपने प्यार को. इन्होंने क्यों बैकआउट किया, क्योंकि आप मुझे देखो वेटिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो. एक मिनट, मैं देख रही हूँ क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर हो गई, अब थोड़ा दिखेगा आपको बराबर से. ओके, सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप देखो इनका वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं. और एक सेकेंड, हाँ, आप इनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो. ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे हो. आप इनके एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे हो, इनसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हो. आप इनको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप इनको लेकर बहुत. ये कुछ गलतियाँ भी करते हैं ना तो भी आपको इनकी गलतियाँ नहीं दिखती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. यानी कि ये कितना भी आपको हर्ट करे ना आप फिर से इनके पास खींच कर चले जाते हैं. ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है. एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये आपके पर्सन के लिए. मुझे अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें ना पास्ट लाइफ कनेक्शन में ना डिवाइन फेमिनाइन बहुत जल्दी स्पिरिचुअली अवेकन हो जाती है, डिवाइन मस्कुलिन को बहुत टाइम लगता है. यानी कि जो मस्कुलिन एनर्जी जिनमें होगी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, मतलब आपके पार्टनर को हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर हो गई है. बहुत सारे मैंने बेनिफिट्स और साइंस शायद शेयर किए थे इंस्टाग्राम पे, आपने अगर नहीं फॉलो किया तो चेक करो वहाँ पर, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कुछ ऐसे साइंस और लक्षण होते हैं कि क्या क्या हमें फील होता है, हम क्या अकेले में एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. अगर हो जाती है अवेकनिंग तो एकांत में ज़्यादा रहते हैं, लोगों से ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करते, अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं, अपने आप से ही सेल्फ लव, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचने लगते हैं, इवन सेक्स ड्राइव भी हम कम हो जाती है. मतलब वो वाली आपके पार्टनर के अलावा और किसी के साथ आपकी इच्छा नहीं बनती. बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, सो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे चेक करो, उसमें मैंने डाला है. तो हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ये सारी अगर चीज़ें आपसे मैच हो रही है तो हो सकता है आपकी हो गई, पर आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाकी है. ये कनेक्शन में, पास्ट लाइफ कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट हर कनेक्शन में इंपॉर्टेंट है, बट इस कनेक्शन में ज़्यादा रिक्वायर्ड है. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे इस कनेक्शन के बारे में. अभी प्रेजेंट पे आते हैं. यूनिवर्स मुझे इनकी प्रेजेंट एनर्जी को क्लारीफाई करे. सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. यानी कि इनको आपकी चिंता बहुत रहते हैं,
ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इनकी प्रायोरिटीज़ के चलते आप बहुत डैमेज हुए हो। आप हर दिन मुझे लग रहा है मरते हो, हर दिन अपने अंदर जो है फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आपने मेंटेन की है, पर दिल से आपके हज़ार टुकड़े हो चुके हैं, दिल के कप के हज़ार टुकड़े हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है ना दस खंजर नहीं है, ये जो दिख रहे हो बैक पे दस खंजर, ये दस खंजर नहीं है, ये आपके दिल पे सारे लगे हैं। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची इस पर्सन के कारण, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को बदल दिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पहले जितने ही आप इम्पॉर्टेंट थे अब उतने ही दूसरे लोग इम्पॉर्टेंट होने लगे हैं। यूनिवर्स और बताएं मुझे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के बारे में। आप बहुत मेरे को ऐसी पोजिशन पर दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप खुद को दोबारा उठा कर दोबारा एक बोलते ना पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहे हो। ये दो कार्ड निकल रहे हैं, मैं दोनों ही लेती हूँ क्योंकि मैंने दोनों पलटी कर लिए थे। ओके, सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक अलग ही बैलेंस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत टाइम लगा आपको रिकवर करने में, बट एट दी मोमेंट मुझे लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी बना रहे हो अपनी लाइफ में। कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों तरफ अपने माइंड को अपने दिमाग को हर लेवल पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपको काम में कहीं मन लगा रहे हो, कहीं फोकस देने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जैसे संतुष्ट हो, मतलब ऐसे दुखी नहीं हो, रो नहीं रहे हो, धो नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि पेन नहीं है, बट समवेयर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप निश्चिंत हो गए हो कि ठीक है कहाँ जाएगा, झक मार के यहीं आना है उसको, किधर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं श्योर हो गए हो, और आप इसके कारण अभी से ही ओके, आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप लोग। आप कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लोग तो वाटर मैनिफेस्टेशन के और मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी आपके इर्द गिर्द कहीं वाटर है, मुझे पानी बार बार दिख रहा है, पानी आपके सारे कार्ड में दिख रहा है, तो मे बी पानी या तो आपके इर्द गिर्द है या पानी का एलिमेंट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का एलिमेंट यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो आपको पानी दान करना चाहिए, बोलते ना जल दान, ये डॉग्स वगैरह के लिए आपको रखना चाहिए पानी, और या तो आपको वाटर क्रिस्टल्स जो होते हैं ना ये इस तरह के ये क्रिस्टल्स आपको रखने चाहिए अपने पास, ठीक है। और ये जो है ये भी उसी में ही होते हैं, ये भी उसी का ही एलिमेंट है, ठीक है। सो ये आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि मेरे को पानी बहुत दिख रहा है आप लोगों के इर्द गिर्द, तो ये कई हद तक या तो आपके पेशेंस की या तो आपके स्टेबिलिटी की बात करता है, इसीलिए भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है पानी, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपने अपनी खोज कर ली है, आपकी जो खोज थी यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी वो काफ़ी हद तक आप उसके नज़दीक आ गए हो या काफ़ी हद तक आपने उसे कंप्लीट किया है। अब आप वेटिंग पोजीशन पे दिख रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लारिफाई करें, आप बहुत चेंज कर रहे हो खुद को, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे येस, आप मूव ऑन कर रहे हो काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने मूव ऑन शुरू कर दिया, आपने चीज़ों को लेट गो करके सरेंडर करके यूनिवर्स के ऊपर आप मूव ऑन कर रहे हो इस वक्त, आप आगे बढ़ चुके हो काफ़ी हद तक। और बताएं यूनिवर्स, काफ़ी आगे बढ़ गए हो आप, ऐसा है कि मूव ऑन एज इन फुल तरीके से मूव ऑन नहीं आपके पार्टनर से, बट कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि आपने लेट गो कर दिया है कि जो होगा मेरे लिए बेस्ट होगा और मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ सब भगवान पर, कहीं ना कहीं ये सोचकर आप आगे बढ़े और बहुत आपके अंदर बहुत भरोसा दिखाई दे रहा है, आपका भरोसा बहुत कायम है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत आपने ऑब्स्टेकल्स देखे, इजी नहीं था बिकॉज आपके कार्ड्स प्रेडिक्ट करते कि बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना किया आपने, बट ओवरऑल आप आगे बढ़ चुके हो। फ्यूचर की बात करें अगर हम, तो फ्यूचर के कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ किसी तरीके का सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगा, आप दोनों के रिश्ते में होगा जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, इनकी मदर फादर इनका या मैरिटल मैरिज वगैरह या इनका कोई और पर्सन इनके साथ इन्वॉल्व है जिसके कारण ये बहुत सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट मुझे वहाँ से निकलने के बाद आपके और आते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटरमेंट की तरफ। अभी डिनाइल मोड चालू है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इनको प्यार का प्रस्ताव दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अब ये कहीं ना कहीं अपसेट है अपनी लाइफ में, ये हैप्पी नहीं है, मुझे बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स और बताएं इनके बारे में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये
मैं अच्छा आपको बता देती हूँ होने क्या वाला है कि अभी तक ये जो है उस ऑन एंड ऑफ वाली पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप इनको डेफिनेटली चाहिए, ये आपको पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अप्रोच भी करेंगे, अभी थोड़े टाइम के अंदर होगा ये, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये या तो आपके साथ या तो आपके बिना, क्योंकि ये लाइफ में बहुत लंबे समय से अनहैप्पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा लग रहा है इनको कि बहुत ज़्यादा एन्जाइटी या स्ट्रेस लिया है, बट अब ये खुश रहना चाहते हैं, इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, उन्होंने लगभग आपको साथ में चलकर आपके साथ चलने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं भी हो तो भी ये बिगनिंग करेंगे, ये थक चुके हैं अपनी लाइफ से, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और इनको अब नहीं चाहिए इस तरह की लाइफ। और बताएं इनके इंटेंशंस, बताएं ओवरऑल मुझे इनके इंटेंशंस बता दें। अगेन दो कार्ड, डेथ, नाइट ऑफ कप, वाओ माय गॉड, ये पर्सन मैंने जैसे कि कहा ना ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे ही आपके पार्टनर, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये युगो युगो से चलता हुआ कहते हैं कनेक्शन होता है। अच्छा, पास्ट लाइफ कनेक्शन को मैं थोड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, शिव पार्वती जोड़ी कहा जाता है पास्ट लाइफ के कनेक्शन को, और इसे काफ़ी लोग कार्मिक जर्नी भी कहते हैं। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं क्यों बोलती हूँ कि कार्मिक जर्नी सबसे ब्यूटीफुल जर्नी होती है, अब मैं समझाती हूँ क्यों, क्योंकि शिव पार्वती की जोड़ी कही जाती है। आपको पता होगा कि शिव जी की जो पहली पत्नी थी, जो पहली वाइफ थी, उनकी डेथ कैसी सर्कमटेंसेस में हुई थी, यानी कि वो अग्नि में खुद को उन्होंने खुद डाल दिया, मुझे प्रॉपर वर्ड्स याद नहीं आ रहे, प्रॉपर वर्ड्स की कहीं ना कहीं कमी होगी, ठीक है, अपने आप को खुद अग्नि में कुछ सफाई या क्लैरिटी देने के दौरान उन्होंने फैमिली के सामने ही ये कर दिया था, बट उसके बाद शिव जी बहुत ट्रॉमा में चले गए थे, कहते हैं कि तांडव भी किया था उन्होंने, वो तांडव के बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं लाइफ में अब किसी को अपने आने नहीं दूंगा। पता है क्या हुआ था कि उसके बाद माता ने काफ़ी जन्म लिए थे, काफ़ी ज़्यादा जन्म लिए थे, बट हर बार वो शिवजी जो हैं डिनायल मोड पे चल रहे थे, इसीलिए वो प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बट जब उन्होंने एक जो इम्पॉर्टेंट जन्म लिया माँ पार्वती का, जो मेन इम्पॉर्टेंट जन्म हुआ था, उस दौरान उन्होंने हामी भरी। अब मैं सॉरी मेरे वर्ड्स में कहीं कमी होगी, बिकॉज अभी देखो मैं ऑलरेडी बैक टू बैक रीडिंग कर रही हूँ तो माइंड थोड़ा थका हुआ है, ठीक है, फिर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उन्होंने जन्म लिया एंड फिर जो फाइनल एक जन्म हुआ जिसमें शिवजी ने आँखें खोली और बोला बस मुझे अब मेरी जो वाइफ है, जो धर्म पत्नी है, उनका ये जन्म मुझे चाहिए, तो उन्होंने फिर अप्रोच किया, उनके पीछे लग गए, उनको बार बार बोलते ना प्रपोजल दिया, एंड उस दौरान आप अगर जानते हो तो उस दौरान माता ने बहुत तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा तपस्या, इसकी एग्जैक्ट स्टोरी मैं किसी दिन आपको विस्तार में समझाऊंगी, बट उस दौरान माता ने बहुत तपस्या की थी, उनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई थी, बहुत तपस्या के बाद जाकर शिव जी उनके और वो बोलते ना उनकी दोनों एक दूसरे के हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं शिव पार्वती जोड़ी है, अब किसी दिन मैं इसको अच्छे से खुल के विस्तार में एक्सप्लेन करूंगी, बट सबसे ब्यूटीफुल जर्नी है। अब इसको कार्मिक जर्नी क्यों कहा जाता है, कार्मिक जर्नी का मतलब मैंने कितनी बार आपको बताया ना मेरे वीडियोस में, सबसे ब्यूटीफुल जर्नी होती है। मैं क्यों बार बार कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि कार्मिक जर्नी जो है वो हमारे कर्मा के बेस्ड पे होती है। होता क्या है, ये पास्ट लाइफ जर्नी और कार्मिक को ओवरऑल में ये बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। होता क्या है कि आपके पिछले जन्म में मान के चले कि आपके पार्टनर ने आपको देखा और दूर से देख के उनको लगा हाय ये काश मेरी पार्टनर होती, मतलब होता ना एक फीलिंग आ गई, ठीक है, तो उस दौरान उस जन्म में आपके दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं था, बट आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हुए थे, सो उनकी मन की एक इच्छा बनी, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट कहीं ना कहीं हुआ, आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हुआ, नेक्स्ट जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा थी कि हाय काश ये मेरा हो जाए, इट्स लाइक दैट आप कनेक्ट कर गए, हर एक कनेक्शन पे जैसे जैसे आपके जन्म बढ़ते गए आप दोनों एक दूसरे को देखते ही तुरंत पहचान गए। आपके कनेक्शन में ऐसा हुआ होगा कि जब आपके पार्टनर से आप मिले आपको तुरंत एक कनेक्शन फील हुआ होगा और लगा होगा कि ये मेरे लिए ही बना है या मेरे लिए ही बनी है वाली एक फीलिंग, एक अजीब सा अटैचमेंट आपको फील हुआ होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसी जर्नी को जस्टिफाई करता है। तो आप लोग दोनों एक दूसरे से इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि पिछले जन्म की आपकी इच्छाएं थी कि आप दोनों एक हो जाओ, बट ये हर जन्म चलता रहता है, तब तक मैं बताती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आप दोनों मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है आपके अंदर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, आपके पार्टनर की भी हो जाए, उसके बाद पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप दोनों एक होते हो, ठीक है, बट काफ़ी लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं रह पाते, तो
ब्लेम करते हैं कार्मिक सबसे बुरी जर्नी, आपको पेन होता है, तकलीफ होता है, आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं. नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं तो कार्मिक जर्नी ब्यूटीफुल होती है अगर आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर गए तो. समझे? तो आपके पर्सन इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, ये डेथ का कार्ड एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एक न्यू पर्सन की बात करता है, एक न्यू पर्सन ही की बात करता है. इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, एक बड़े बदलाव की बारी होगी और उसके बाद इनकी तरफ से आपको प्रस्ताव होगा. एक बदले हुए इंसान को आप देखेंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड, जिससे मैंने प्यार किया है तो वैसे नहीं है, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गए हैं. तो काफ़ी हद तक इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. ठीक है, अभी भी मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अभी भी मैंने इस पास्ट लाइफ और कार्मिक को पूरे डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठी तो ये एक डेढ़ घंटे की वीडियो चली जाएगी और उस पर बहुत लंबा मैं बोलती चली जाऊँगी ऐसा वैसा वैसा वैसा. और अभी सच बताऊँ तो माइंड थोड़ा बैक टू बैक रीडिंग से थका भी हुआ है, तो अभी इस पर नहीं बात करेंगे. बट ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसके कुछ कण समझ गए होंगे. आप लोग दोनों तब तक नहीं मिलते जब तक आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता. इस जन्म में भी अगर आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, दोनों स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुए, तो इस जन्म में भी कनेक्ट नहीं करते, फिर एक और जन्म लेते हैं. ये जन्म रिपीट होता रहता है, हर जन्म में आपको ये दोबारा टकराएंगे, दोबारा आप दोनों कनेक्ट होंगे, दोबारा सेम ऑब्स्टेकल्स और सेम सर्कमटेंसेस बनेंगे, दोबारा आपके पीछे ये पड़ेंगे. बट अब मैं बताती हूँ कि लेट गो क्यों करना होता है, मैं आगे स्टोरी बताती हूँ उसको. ठीक है, अभी हम लोग फीलिंग्स ही बात कर रहे हैं तो सॉरी मैं आपको बोर कर रही हूँ, तो अब मैं इस पे बैक टू टॉपिक आती हूँ. मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. और जिनको भी शिव पार्वती की जोड़ी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो यूट्यूब पे बहुत सारी ब्यूटीफुल वीडियोज़ देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स और ब्लॉग्स हैं इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं. मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है तो मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ. मैं यूट्यूब के वीडियोज़ पर सच बोलो तो बिलीव नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ और वही सही होता है. यूनिवर्स मुझे पता है किस तरीके का प्रपोजल होगा इनके पास. आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ. वाओ, तो ये आपका आपकी वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे. ये जो आपके पर्सन हैं ट्रांसफॉर्म होके उसके बाद आपके आपकी दुनिया को पूरी करने की कोशिश करेंगे. द वर्ल्ड का कार्ड ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है और ये कहीं ना कहीं आपको वो कंप्लीशन देंगे, आपके दिल की वो इच्छा पूरी करेंगे जो आप बहुत समय से लेकर बैठे हो. क्योंकि कई हद तक ये पर्सन अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर आपसे कनेक्ट होंगे. यूनिवर्स और बताएं द वर्ल्ड के कार्ड को क्लारिफाई करें. देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन में ना मोस्ट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग एक हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं. कार्मिक और जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना आज की डेट में तो वो ज़्यादा इजी हो गया है, पता है, क्योंकि लोगों के पास बहुत नॉलेज हो गया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये वो. पिछले टाइम्स में जो बहुत ज़्यादा पहले की पीढ़ी को देखा जाए तो उनको समझ में ही नहीं आता था स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, ये सारी नॉलेज उनको नहीं थी क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया के ऑप्शंस नहीं थे. बट दिस टाइम ये बहुत ईजी हो गया है. तो स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बनेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर देखो डैमेजिंग वाली सिचुएशन पे है तो उनके हालात ऐसे बनेंगे, एंजल्स ऐसे हालात बनाएंगे, यूनिवर्स ऐसी हालत बनाएंगे जहाँ पे उनको ना चाहते हुए भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा. जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर जश्न का समय होगा. आप दोनों के बीच में किसी तरीके का सेलिब्रेशन होगा या आपकी दुनिया को पूरा करेंगे. यूनिवर्स और बताएं. वाओ, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत, सेलिब्रेशन, नई मेहनत, दोबारा नए सिरे से एक रिश्ते की बोलते हैं ना नई नींव रखी जाएगी. बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन. और बताएं यूनिवर्स, लास्ट कार्ड. हाँ, और बताएं और क्या होगा इनके मन में, इनको देने के लिए क्या ऑफर कर सकते हैं ये. टू ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, क्लारिफाई दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे ऐसा बता रहे हैं यूनिवर्स कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त कुछ देने के मूड में नहीं है. बट मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ. यूनिवर्स मुझे फ्यूचर की बात बताएं, फ्यूचर में क्या देना चाहेंगे. ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपने मुझे दिया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे उसे क्लारिफाई करें. द वर्ल्ड के कार्ड को क्लारिफाई करें. यस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये मूड में नहीं है. जो एंजल्स हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त ये मूड में नहीं है, इस वक्त कुछ नहीं सुनेंगे, इस वक्त इनका दिमाग हो गया है पैदल या दिमाग से पैदल हो चुके हैं. इस वक्त ये गुड़बड़ को कितना भी ट्राई करो ये अपने दिमाग का चलेगा या चलेगी, और काफ़ी हद तक आप परेशान हो जाएंगे, माथा पीटते रह जाएंगे. इसलिए इस वक्त इनको बोलते हैं ना, दीवार के ऊपर सर पीट के कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू करो क्योंकि आपकी फैमिली कंप्लीट होगी. ठीक है, आपकी फैमिली कंप्लीट होगी. ये पर्सन आपके सामने कोई ऐसा प्रपोजल रखेंगे जिससे आपकी फैमिली, आपकी दुनिया, आपके एक कंप्लीशन का आभास होगा. सो ये आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है. और
मैं आपको किस लिए बता रही थी कि मैं और इसके ऊपर बताऊंगी, देखो ना मैं टॉपिक ही भूल गई, मैं आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर बता रही थी, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही थी। देखो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, मैं किस टॉपिक को बोल रही थी कि मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसे कंटिन्यू करूँगी। सो आपके सबसे ब्यूटीफुल कनेक्शन मैं जो बता रही थी आपको कि ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ज़रूरी है, इसलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्यों बार बार आप लोगों को बोलती हूँ लेट गो करो, लेट गो करो, सरेंडर करो डिवाइन एनर्जी को, उसके बाद ही आपकी लाइफ में होगा। आप मूव ऑन नहीं करोगे तो आप लेट गो नहीं करोगे, मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपके पर्सन आएंगे नहीं। कभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई। कई बार आप लोगों ने मुझे बोला कि दीदी अगर मूव ऑन कर लिया तो कहीं ये पर्सन वापस नहीं आए, तो होता क्या है कि जब आप मूव ऑन कर लेते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को साबित करते हो कि आपके अंदर अब किसी तरीके का लोभ लालच नहीं है, आप अपने पर्सन को पाने की चाहत नहीं रखते हो, आपने खुशी खुशी उन्हें सरेंडर किया है, जाने दिया है और कहा है कि भाई जो भी है भगवान करे बस वो खुश रहे, जैसी भी स्थिति में बस वो खुश रहे, यही मैं चाहती हूँ या यही मैं चाहता हूँ। जब आप त्याग की भावना से आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है यार जो भी है रब राखा, ये सोचकर आगे निकलते, मिरेकल तब होता है, यूनिवर्स तब कहता है कि ठीक है, मतलब इसने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी की, उसके बाद बारी आती है आपके पर्सन की, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं और उसके बाद वो अप्रोच करते हैं आपको, ठीक है। इसलिए त्याग की भावना ज़रूरी है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, मैं बहुत बहुत तरीक़ों से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर ट्रस्ट मी मैं बोलती रहूँगी, अगर मैं बोलती जाऊँगी ना तो मैं डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटा बोलती चली जाऊँगी। सो इसीलिए ये इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सो म्यूनोलॉजी कार्ड्स में चेक करते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस, ये गाइडेंस देखकर हम कंप्लीट करते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। यस या नो भी कर लेते हैं, ठीक है। आपके मन में कुछ सवाल करो, एक ही क्वेश्चन कोई भी, मैं उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। अभी मतलब एज इन लाइव तो नहीं हूँ, बट कोई भी आपके मन में होगा तो हम उसकी एनर्जी को ग्रैप करेंगे, ओके। पहले मोनोलॉजी कार्ड्स में से आपके गाइडेंस निकाल लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो यस, आपके आपकी जो हार्ड वर्क है जिसको लेकर आप परेशान हो कि अरे नहीं आएगा, कब आएगा, कब आएगी, यार उसकी तो शादी हो गई या उसका तो सगाई हो गया या उसने तो, उसकी माँ ने उसको मुक्का मारा या इसने ये किया, उसने वो किया, फलाना हमका ढकाना, जो भी बातें हैं आपके दिमाग में चल रही है, बट आपको यूनिवर्स इशारा कर रही है भाई तुम्हारी मेहनत, जो तुमने पीढ़ा सही, जो तुमने तकलीफ सही, उसका जवाब, उसका फल तुम्हें मिलेगा ज़रूर। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो ये आपकी परीक्षा का समय है, आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है इस यूनिवर्स को, ईश्वर को, कि आप एक अच्छे नेक इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है। अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मेडिटेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो जो लोग भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो उनमें बता दूँ मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। आप चाहें बताएं, मैं मेडिटेशन का भी एक दिन किसी दिन ज्ञान दे दूँगी, और मुझे बताना ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कितना अच्छा लगता है जब मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कोई भी चीज़ का, कि आप लोग बोर हो जाते हो, अगर आप बोर हो जाते हो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं फिर उस बारे में इस टॉपिक में बात करना बंद कर दूंगी, ठीक है। मैं फिर डायरेक्ट रीडिंग करूंगी और इसे एंड कर दिया करूंगी, ओके। मुझे लगता है कि काफी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, दीदी 111 का मतलब बता दो, 222 का मतलब बताओ, 333 का मतलब। देखो पहली बात समझो, एक मैं आप लोगों को समझाती हूँ बहुत प्रेम से, कि मेरा कमेंट बॉक्स में हर एक को रिप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए आप लोग इस तरह सवाल करते हैं फिर मैं जवाब नहीं दे पाती तो मुझे भी दुख होता है। तो आप समझा करो, आप अपने वीडियो के रिलेटेड आप मुझे कुछ भी बता सकते हो कि दीदी ये मुझे चाहिए, वो मुझे सुनना है, ये करना है, तो मैं समझ सकती हूँ, बट क्वेश्चंस के लिए कमेंट बॉक्स में मतलब ही नहीं है ना, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, है ना। बाकी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर मैंने सामने दे दिया है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए आप नंबर नोट डाउन करें, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। और उसके अलावा जिनके भी ऐसा है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं रीडिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे फ्री रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, पहली बात तो मैं बता दूँ राहु दोषा के कारण हम लोग फ्री नहीं रख सकते, राहु दोष लगता है हम पे भी आप पे भी, तो हम फ्री रीडिंग्स नहीं कर सकते, कोई भी टैरो रीडर कोई भी पंडित नहीं कर सकता, ये उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। दूसरी बात, जिन लोगों की तकलीफ़ है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हीं के लिए मैं स्पेशली हर बार समय निकाल निकाल के लाइव आती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव आ जाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। सो इन चीज़ों को समझ के चलें, ठीक है। कुछ भी आप उल्टा सीधा लिखें, इससे पहले आप सोच लें थोड़ा, हमारे पहलू से भी रह के, हर टैरो रीडर की बात कर रही हूँ, हर एक पंडित की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो चलिए, आप अपने मन में कोई सवाल कीजिए और
मैं उसका जवाब दूंगी, ठीक है? ये कोई भी सवाल हो सकता है, करियर के, लव के, कोई भी रिलेटेड हो सकता है। मैं बताती हूँ येस या नो, ठीक है? येस या नो बताती हूँ। यूनिवर्स, आप मेडिटेट करें, अच्छे से अपना सवाल सोचें, और चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, ओके? यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स अपने मन में सवाल लिए बैठे हैं उनका जवाब मुझे बताएं। मुझे लगता है आप लोग रेडी होंगे, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें, जो भी मेरे व्यूवर्स पूछ रहे हैं, जो भी उनके दिल में है, जो भी सवाल उनके दिल में है, मुझे जवाब दें। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। ओके, जो भी आप सोच रहे हो उसका जवाब ना है, ठीक है? अब ना क्यों है मैं बताती हूँ। क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एन्जाइटी ले रहे हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो, आप दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ों को हलचल में लेके बैठे हो, ये होगा नहीं होगा, ये होगा कि क्या होगा, वो ये होगा, मतलब बोलते हैं ना दुनिया में, सॉरी आपके दिमाग में ना किसी तरीके की लंबी हलचल है, रात को नींद की परेशानी भी हो रही है इसके कारण, या तो नींद नहीं आ रही, या हेल्थ इशूज़ होने लगे हैं आपको, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है किसी, काफ़ी लोगों को हेडेक की इशू हो रही है, काफ़ी लोगों को बैक की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब तक पेन रिलीज नहीं करोगे, जब तक थॉट प्रोसेस रिलीज नहीं करोगे, पॉजिटिविटी नहीं लाओगे, तब तक आपकी लाइफ में यस नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तक ये नो है, क्योंकि दूसरा कार्ड क्लारिफाई करता है जो सोचोगे वो पाओगे। तो ये दर्द है तो दर्द मिलेगा, खुशी का अनुभव करोगे, अच्छी चीज़ें सोचोगे तो यस डेफिनेटली होगा। आपसे यूनिवर्स बार बार कह रहा है मैनिफेस्ट करो, या कम से कम मन में पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिवली चीज़ों को सोचो, ठीक है? सो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, बहुत पॉजिटिव होकर सोचना है कि यस ये होगा, दिल में एक उम्मीद जगानी है कि यस ये होगा, मतलब होगा, मैंने सोचा है ना ये होगा, मेरे साथ ये होना ही है, ये एकदम आपका श्योर होना चाहिए, ठीक है? सो उसके बाद डेफिनेटली होगा। सो अभी ये आप लोगों के सवालों का जवाब, मैं लगभग ऐसी कोशिश करूंगी कि हर एक रीडिंग के बाद एंड में ये आप लोगों के लिए सवाल पूछूं, ठीक है? सो अब ध्यान रखना एक और चीज़, पर्सनल रीडिंग किसी भी सूरत में फ्री नहीं होती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग कभी भी अप्रोच करें तो आप जैसे ही हाई भेजते हैं हम आपको चार्जेस का कोटेशन भेज देते हैं। एक्सप्लेन फिर से कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करना होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ व्हाट्सअप करना होता है, कॉल नहीं, प्लीज़ कॉल ना करें, ओके? और अगर आप लोगों को सेम रेस्टोरेंट बनवाना है, डीलर का नंबर मैंने डाल दिया, मैं इसके बारे में इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वाटर एलिमेंट की बात की थी तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी चैनल्स के भी लिंक्स हैं, आप जाकर मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मस्त वाला लाइक चिपका सकते हो, ठीक है? एंड सब्सक्राइब करो और ये भी चैनल को, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पिकअप कार्ड, राशि के अनुसार बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ों पर मैं बात करती रहती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है? तो आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम का अगर नहीं है अकाउंट तो अकाउंट क्रिएट करो और फिर उसके बाद आओ, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, ओम साई राम।